बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने मशहूर जमाना इलॉन मस्क की वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें वो एक कंट्रोवर्शियल नजरिया द टूथपेस्ट थ्योरी प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं Have you ever heard about the toothpaste theory? Have you ever noticed like something on the bottom of the toothpaste tube? Like, there's always like a square of color when the rest of the packaging is white. The code is if you have the green on your toothpaste, it means it's all natural. If you have the blue, it means that it is natural plus medicine. If it has red, it's natural with chemicals. And finally, if it is black, it's all chemicals. जी, इस नजरिए के मुताबिक आपकी टूथपेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से पर मुख्तलिफ कलर के निशान होते हैं और टूथपेस्ट खरीदते वक्त आपको इन कलर्स का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इनमें उस टूथपेस्ट के अज्जा के बारे में एक राज छुपा है। तो क्या ये थ्योरी दुरुस्त है? क्या वाकई इन कलर्स में कोई खास राज छुपा है जो आपको मालूम होना चाहिए? और टूथपेस्ट असल में किन अज्जा से मिलकर बना है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले आखिरी सवाल से पहले शुरू करते हैं। ज्यादातर टूथपेस्ट जो हैं, वो इन अज्जा से मिलकर बनते हैं। नंबर वन, ह्यूमेक्टेंट। ये टूथपेस्ट का एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है। ये टूथपेस्ट में मॉइस्चर को रिटेन करता है। अगर ये ना हो तो जब आप दूसरी दफा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए खोलेंगे तो आपका पेस्ट नहीं बल्कि पत्थर हो चुका होगा। इसके लिए ग्लाइसरोल, ज़ाइलिटोल और सॉर्बिटोल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू, अ बाइंडिंग मटेरियल। इसे थिकनिंग एजेंट भी कहते हैं। ये टूथपेस्ट के तमाम अज्जा जिनमें सॉलिड और लिक्विड्स दोनों शामिल हैं, उन्हें एक साथ पकड़ कर रखता है और उन्हें अलग नहीं होने देता। इसके लिए सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, जेंथम गम और कैराजिनांस वगैरह यूज किए जाते हैं। नंबर थ्री, स्वीटनर। टूथपेस्ट को इस्तेमाल के काबिल बनाने और उसे एक अच्छा टेस्ट देने के लिए मीठे का तड़का लगाया जाता है और इस मकसद के लिए सोर्बिटोल, ज़ाइलिटोल, सोडियम सैक्रीन, जी हाँ टूथपेस्ट में भी सैक्रीन डाली जाती है। इसके अलावा एस्पार्टेम वगैरह भी इस्तेमाल होता है। नंबर फोर, सॉलिड एब्रेसिव्स। आपके दांतों में फंसे खाने के जर्रात हटाने और उन्हें चमकाने के लिए एब्रेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नंबर फाइव, सर्फेक्टेंट। आप टूथब्रश करो और झाग ना बने तो मजा नहीं आएगा। ये झाग बनाने के लिए टूथपेस्ट में सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शामिल है सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट वगैरह। नंबर सिक्स, अ फ्लेवरिंग एजेंट। एक टूथपेस्ट में तमाम चीजें हों लेकिन कोई फ्लेवर ना हो तो शायद ही उन्हें कोई इस्तेमाल करे। सो टूथपेस्ट का टेस्ट बढ़ाने, दूसरे अज्जा के नापसंदीदा जायके को जाहिल करने और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए फ्लेवर तो लाजमी है। इसके लिए पेपरमिंट, स्पीयरमिंट, सिनेमन, मैंथोल, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और बबल गम वगैरह इस्तेमाल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर सेवन, फ्लोराइड। फ्लोराइड दांतों को मजबूत बनाता है और उनमें कैविटीज होने से बचाता है। फ्लोराइड को टूथपेस्ट ट्यूब पर मंदरजा जेल नामों से मेंशन किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, एसएनएस फ्लोराइड और अमाइन फ्लोराइड वगैरह। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या इन कलर्स में कोई राज छुपा है जैसा कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि ग्रीन ऑल नेचुरल मतलब ये टूथपेस्ट मुकम्मल तौर पर कुदरती अज्जा से मिलकर बना है। ब्लू नेचुरल प्लस मेडिसिन यानी इसमें 50% कुदरती अज्जा है और 50% कोई दवा मिलाई गई है। रेड नेचुरल प्लस केमिकल, 50% कुदरती अज्जा और 50% दूसरे केमिकल्स। और आखिर में ब्लैक प्योर केमिकल्स मतलब 100% सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स। ट्यूब के निचले हिस्से पर मौजूद ये कलर्स आपको इन अज्जा के बारे में कुछ नहीं बताते कि वो नेचुरल है या केमिकल्स। और अब पहला सवाल, क्या ये थ्योरी दुरुस्त है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। टूथपेस्ट ट्यूब के बॉटम पर इन कलर कोड्स का टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं है और आपको टूथपेस्ट खरीदते वक्त इन कलर्स की मदद नहीं लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक निशान है जो टूथपेस्ट की पैकेजिंग के मैन्युफैक्चरिंग के अमल के दौरान बनाया जाता है। इन निशानात को लाइट बीम सेंसर्स के जरिए पढ़ा जाता है जो मशीन को बताते हैं कि पैकेजिंग को कहां से काटना है, फोल्ड करना है और फिर सील कर देना है। ये कलर्स डिफरेंट सिर्फ इसलिए हैं कि मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ किस्म की पैकेजिंग पर या मुख्तलिफ सेंसर्स और मशीनों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कुछ सेंसर्स एक कलर को पढ़ते हैं और दूसरे सेंसर्स दूसरे कलर को। यानी सिर्फ कलर्स मुख्तलिफ हैं लेकिन इन तमाम रंगों का मतलब एक ही है, टू पॉइंट आउट वेयर टू कट फोल्ड एंड सील। अगर आप वाकई जानना चाहते हो कि आपके टूथपेस्ट में क्या है तो डब्बे के ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ सकते हैं। वेल, होशियार रहें, बाखबर रहें और इंटरनेट पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन को डबल चेक जरूर कर लें क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैसी बेबुनियाद बातें करके चलते बनते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
subscribe the channel. Adios.